तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रोज पावर प्रोग्रामिंग के बारे में, और हमने इसमें पहली ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था वर्कबुक के बारे में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सीट्स के बारे में। सीट्स की हैंडलिंग क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि सीट्स को हम कॉल कैसे करते हैं। यहाँ पे दिख रहा आपको सीट 1, 2, 3। देखिए सीट के दो नेम, ये क्या पहला नेम होता है सीट का कैप्शन नेम, और दूसरा नेम होता है सीट का, पहला होता है सीट का कैप्शन नेम, दूसरा होता है प्रॉपर्टी नेम। तो प्रॉपर्टी नेम क्या होता है, आप जैसे यहां देख रहे हैं सीट वन ब्रैकेट में सीट वन, जो ब्रैकेट से पहले है सीट वन इज द प्रॉपर्टी नेम, और जो ब्रैकेट में है वो है हमारा कैप्शन नेम। मतलब कि अगर मैं सीट वन को यहां जैन कर देता हूं तो हमारा कैप्शन नेम जैन हो जाता है। बट प्रॉपर्टी वन सीट वन होता है, क्या प्रॉपर्टी नेम चेंज होगा? जी हाँ, प्रॉपर्टी नेम भी चेंज हो सकता है, बट वो आम यूजर चेंज नहीं कर सकता, वही चेंज कर सकता है जिसको वीवीए का एक्सेस है। मतलब कि आपने पासवर्ड ना लगाया हो। कैसे? आप सीट पे क्लिक कीजिए, यहाँ आपको प्रॉपर्टी दे दिखेगा, यहाँ सीट वन, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने नाम डाल दिया मंथ। तो सीट के दो नेम होते हैं, कैप्शन नेम एंड प्रॉपर्टी नेम। कैप्शन नेम कौन सा होता है, प्रॉपर्टी नेम कौन सा होता है, समझ में आ गया गैरी जी, अनिशा जी? यस सर। हाँ जी। चलिए अब बात करते हैं कि कॉल कैसे करेंगे। तो पहले कॉल प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। मतलब मान लीजिए कि मुझे जैन पे क्लिक करना है, जैन को एक्टिवेट करना है, इसका कोड क्या होगा, या जैन को डिलीट करना है, जैन को रिमूव हाइड करना है। कुछ भी कोड करने से पहले हम ऑब्जेक्ट को कैसे लिखते हैं, जैसे कि आपने वर्कबुक में देखा था कि वर्कबुक्स और एक्टिव वर्कबुक हमने लिया। सो यहां इसी तरह की चीजें हो सकती है। कैसे? यहां देंगे सीट, सीट नेम मंथ, ये हो गया मंथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी नेम चेंज कर दिया है ना, मंथ कर दिया है। तो मंथ डॉट यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि मंथ जो है ऑलरेडी फॉर्मूला है, इसलिए फॉर्मूला समझ रहा है, यहाँ पे वीवीए कंफ्यूज हो रहा था। मंथ डॉट मंथ भी फॉर्मूला है क्या, शीट टू डॉट मंथ भी फॉर्मूला है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो सीट टू डॉट एक्टिवेट, सीट टू डॉट एक्टिवेट आ गया। तो सीट टू क्या है, हमारा प्रॉपर्टी नेम। Yes, sir. अब कैप्शन नेम से इसे जैन को करना हो तो यहां पर हम लिखेंगे सीट्स, और देंगे हम जैन डॉट सेलेक्ट कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हम दोनों में से कब स्टार्ट करेंगे।
अगर आपके पास होता क्या है कि हमारे पास ऐसे सीड्स होते हैं जो कि बार बार रिनेम होते हैं, जैसे जैन कल के रेट में हमारा फैब हो जाएगा, उसके बाद मार्च हो जाएगा, तो अगर ये बार बार चेंज हो रहा है तो अगर आप ये देते हैं तो आपको कोड को भी डायनामिक बनाना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब ये कोड को बार बार चेंज करना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना चाहिए था। उस केस में हम यहाँ प्रॉपर्टी नेम को लेंगे क्योंकि आपका प्रॉपर्टी नेम यूजर चेंज नहीं कर सकता। आप यहाँ पे मार्च कर दें, आप रीड कर दें, आपका जो प्रॉपर्टी नेम है वो वही रहेगा जो था। क्लियर है? तो उस केस में हम प्रॉपर्टी नेम पे अकॉर्डिंग लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा सीट डिलीट हो जाता है। मैं मान लीजिए मैंने मार्च को डिलीट कर दिया, जैसे होता है ना कि एक फिक्स नेम होता है, मान लीजिए कि हमारा डेटा, जैसे हमने डेटा हमारा पहले से रिपोर्ट था, हमने डेटा को डिलीट कर दिया, क्या किया, नई सीट ऐड किया, उसका नाम डेटा रख दिया। ओके, नेम डेटा रहेगा लेकिन बार बार वो डिलीट होते रहता है। अब यहां पे देखिए, डिलीट होते ही आपका प्रॉपर्टी नेम, जो नई सीट होता है उसका प्रॉपर्टी नेम कुछ और हो जाता है। आपकी सीट बार बार डिलीट हो रही हो उस केस में अगर आपका नाम फिक्स है तो आप यूज कर सकते हैं हमारा कैप्शन नेम वाला मेथड। तीसरा, मान लीजिए कि मुझे किसी फोल्डर के सभी फाइल से डेटा लेना है। अब मुझे नहीं पता उनके फाइल्स के अंदर के सीट्स का नाम क्या क्या है, प्रॉपर्टी नेम क्या क्या है, मुझे पता नहीं। तो उस केस में उसके हम सीक्वेंस से चलेंगे कि सीट्स हम यहां देंगे टू टू डॉट सेलेक्ट, क्या होगा, एक काउंटिंग करेगा दूसरा तीसरा चौथा। तो मान लीजिए आपने तीसरा कर दिया तो काम करेगा वन टू थ्री, इस सीट पे चला जाएगा। दूसरा कर दूंगा तो वन टू, तो उसके सीक्वेंस नंबर से हम उसको कॉल करते हैं। चौथा जो होता है वो पता ही आपको, एक्टिव सीट। ओके, ये चार जो होते हैं कॉलिंग मेथड है सीट्स के। सिचुएशन आपको पता ही है कि किस समय में कौन सा कॉलिंग मेथड हम इस्तेमाल करें। सर, अगर कैप्शन नेम चेंज होता है, आप एक बारी वो वाला बताना, अगर कैप्शन नेम चेंज होता है तो हम प्रॉपर्टी नेम से चलेंगे। सीट आपका फिक्स है, नाम बार बार चेंज होता है, प्रॉपर्टी नेम, नाम आपका फिक्स है, बट सीट में भी चेंज हो सकता है, डिलीट करके नया सीट ले सकते हैं। तो हम उसकी कैप्शन नेम से चलेंगे। मुझे दोनों का आइडिया नहीं, हमें फाइल के सारे उठाने हैं, सारे शीट्स को उठाने हैं, तो हम सीक्वेंस, उसके सीक्वेंस से चलेंगे, इंडेक्स नंबर से, और जो एक सीट एक्टिवेट है उसकी एक्टिव सीट। अच्छा, ओके सर। गैरी जी, हेलो गैरी जी। हाँ जी सर। हाँ जी, कहाँ गायब हो जाते हैं आप? नहीं नहीं, मैं यहीं पे हूँ। क्या हुआ ईशा जी, आ गया तो आप तो अटेंशन कम कर दिया आपने। नहीं नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ सर, जो आप बोल रहे हैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको। तो बोला था कि समझ में आ गया ना आपको मेथड? हाँ जी। तो डाउट नहीं है ना? अभी चलिए इस पे हम क्या क्या कुछ काम जो करते हैं उसकी कोड को जानते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ हम आते हैं कि हमारे पास एक डेटा है,
अब मुझे सीट्स को करना है चोरी, सीट्स को ऐड करना है, अब डेटा कॉपी पेस्ट करना है किसी और सीट पे, सीट को तो ऐड करना ही पड़ेगा ना। तो सीट्स करने का तरीका है कि सीट्स डॉट ऐड, ये क्या करेगा, एक नई सीट ऐड कर देगा, लेकिन कहां, जो सीट एक्टिव है उससे पहले। मुझे डिफाइन करना है कि नहीं मुझे सीट फाइव के बाद एक नया सीट चाहिए पोजिशन के हिसाब से। तो ब्रेक कीजिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिफोर और आफ्टर, दिख गया? यस सर। सीट फाइव से चाहिए पहले तो सीट फाइव का नाम लिखना, वैसा नहीं कि मैं सीट फाइव ऐसे लिख दूं, नहीं, हमें सीट का कॉलिंग मेथड को ध्यान में रखना है। हमें सीट फाइव पता है कि सीट फाइव नेम, सीट फाइव नेम पता है हमें, तो यहाँ पे सीट फाइव में लिखूंगा। नई नेम पता है तो प्रॉपर्टी नेम लिखूंगा, नहीं तो सीक्वेंस नेम लिखूंगा। देखिए मुझे बिफोर नहीं आफ्टर चाहिए, यहाँ पे बस एक कॉमा कीजिए, बिफोर स्किप हो जाएगा, मतलब बिफोर में हमने कुछ नहीं दिया, हमने आफ्टर में दे दिया, आफ्टर बोल लो गया ना, अब सीट फाइव के बाद वो ऐड हो। मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है, तो हमने देखा कि यहाँ चार सीट है, तो हमने बोल दिया आफ्टर फोर, तो क्या करेगा, काउंट कर लेगा यहां से कि वन टू थ्री फोर, और फोर के बाद एक नया सीट ऐड कर देगा। अब क्वेश्चन आता है कि जरूरी नहीं कि सीट फोर ही हो, सीट फाइव, सीट टेन, सीट ट्वेंटी, ऐसे भी तो हो सकते हैं। मैं नंबर चेंज करने के बजाय पे एक प्रॉपर्टी लगा दूंगा शीट डॉट काउंट, काउंट क्या है, प्रॉपर्टी है, इसने काउंट दे दिया शीट की, नंबर ऑफ शीट इस एक्टिव फाइल में है कितनी, ठीक है। यस सर। अब एक कोड फुल्ली डायनेमिक हो गया कि हर बार सबसे लास्ट में शीट को ऐड करेगा। क्लियर है गैरी जी? हाँ जी सर। बात आती है कि जो सीट ऐड हुआ है उसको रिनेम भी करना है, तो रिनेम करने का, अब मुझे सीट का नाम तो पता नहीं है कि कौन सा नाम से सीट ऐड हुआ है, तो मैं यहाँ एक्टिव सीट डॉट नेम कर दूंगा कि नेम इक्वल टू नाम देना दे। अब बात है कि मुझे डेटा नाम का सीट चाहिए ही था, तो मैं यहाँ पे सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू डेटा कर देता हूं। आप बोलेंगे सर डेटा तो आ गया लेकिन सबसे लास्ट में नहीं आएगा, तो लास्ट में लाने के लिए यहां पे फिर वापस कर दूंगा कि एक्टिव सीट डॉट मूव, कहां तो मूव कॉमा, ये जो आपका दिख रहा है उठा लीजिए, तरीका सेम है सबका, सबसे लास्ट में मूव कर देगा। तो आपने सीट को ऐड करना सीख लिया, सीट को रिनेम करना सीख लिया। एक चीज और आती है कि एक बार में एक ही सीट ऐड होता है, लेकिन मान लीजिए कि आपको एक बार में 10 सीटें ऐड करनी, तो जब आपने सीट ऐड सीट्स को ऐड किया था, यहां पर आपको काउंट दिख रहा है, तो मैं वाले पे जाऊंगा और इन्हें बोल दूंगा कि 10 सीट, अब एक बार में 10 सीट ऐड करेगा। अच्छा ओके। फिर सीट ऐड करने के बाद, अब मान लीजिए मुझे अपने शीट डेटा शीट को मूव करना है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने लिख दिया शीट्स, जो भी शीट का नाम है, जो शीट हमने दे दिया सिक्स, शीट सिक्स डॉट मूव, जैसा शीट सिक्स डॉट मूव लिख दिया, एक प्रॉपर्टी नेम नहीं कर सकता, वो मेरा ग्लोबल लगा हुआ है, प्रॉपर्टी नेम ही देगा ये।
मैंने गलती और फाइल में किसी और फाइल में कर रहे हैं किसी और इसमें FLC में वर्सेस प्रॉब्लम आ रही थी। मैं इंसर्ट करता हूँ रूट्स एक बार। मैं यहां करता हूं sheet3.move। बस मैंने ऐसा कर दिया था, ये क्या करेगा कि sheet3 जो प्रॉपर्टी नेम था किसका था, वो था आपका इसका डेटा शीट को, इसको मूव कर देगा किसमें, एक नई फाइल में। ध्यान रखिएगा कि आपने सिर्फ sheet3 करके मूव कर दिया, इसको एक नई फाइल में मूव कर देगा। नई फाइल जब मूव होगी वही एक्टिवेट होगी, मूव sheet6 एंड यहाँ पे अब देखिए book5 नाम का एक, book2 नाम का सीट आया जिसमें डेटा शीट आया। अब इसको सेव करना है तो हमें पता है कि एक्टिव है क्योंकि अभी जस्ट मूव हुआ है, वही एक्टिव होता है। यहां पे आप देखेंगे एक्टिव वर्क डॉट सेव एज और यहां पे आप पाथ दे देंगे। तो क्लोज करना है तो आप यहीं पे करेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज और ठीक है, पाथ एक्सटेंशन डाल देंगे। याद मैंने सिर्फ पाथ लिख दिया है बट आप पाथ एक्सटेंशन दोनों डालेंगे। लेकिन मुझे मूव नहीं करना है किसी अनदर फाइल में, मुझे मूव करना है इसी फाइल में। मान लीजिए कि डीटी नाम का सीट है, मुझे इसको मूव उठा के जो है लास्ट में रख देना है इस तरह से। तो यहां ऊपर इसने बताया मैंने आपको मूव लास्ट में चला जाएगा या किसी सीट से पहले या किसी सीट के बाद में, तो जो मेथड बताया था उसी मेथड को आप यूज करेंगे। इसमें बात आती है कि मूव की जगह कॉपी करना है, तो कॉपी करने का भी सेम तरीका है। मतलब कि जब हम राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी करते हैं तो यहाँ क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर देते हैं ना, तो ये कॉपी हो जाता है। तो अगर मैंने सिर्फ कॉपी यहाँ मूव के जगह पे कॉपी कर दिया तो एक नई फाइल में कॉपी हो जाएगी, वही नई फाइल हमारा एक्टिव हो जाएगी। अब उसको आपको सेव करना है किसी लोकेशन में और फिर उसको क्लोज कर देना, क्लोज करना है तो जरूरत है तो, नहीं तो और जो करना है काम कीजिए उसके। आपको कॉपी करना है इसी वर्कबुक में इसी शीट में किसी शीट के बाद या किसी शीट से पहले या सबसे लास्ट में, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं sheet.copy, तो शीट को कॉपी कर देगा। अब बात करते हैं शीट को डिलीट करना, मान लो डीटी को डिलीट करना, तो यहां लिखेंगे हम sheet4 क्योंकि डीटी का कैप्शन है, प्रॉपर्टी नेम sheet4 है। अब देखिए मैं यहां पे कुछ भी ले रहा हूं, लेकिन आप इन चारों में से कोई एक लेंगे अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, समझ गए? सर एक बार रिपीट करना है लास्ट लाइन जो आपने बोली है। मैंने बोला कि मैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, कभी एक्टिव सी ले रहा हूँ, कभी कैप्शन ले रहा हूँ, आप जो है इन चारों में से कोई एक मेथड चूज करेंगे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब इसे डिलीट किया, sheet4.delete लिख दिया। sheet4.delete होने से क्या हो गया, इसको डिलीट करेगा, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे आपका माइक्रो रुक जाएगा। क्यों? यहाँ पे आ जाएगा अलर्ट, जब तक मैं क्लिक ना करूंगा तब तक ये आपके आगे माइक्रो डिलीट नहीं होगा, उसके नीचे की लाइंस को वर्क नहीं करने देगा। सो जब भी आप सीट डिलीट करें तो एक उसके ऊपर एक छोटा सा सेटिंग लिख दें, चेंज कर दें कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, माफ कीजिएगा गलत हो गया, डॉट डिस्प्ले अलर्ट डॉट डिलीट इक्वल टू फॉल्स। क्या हुआ कि वो अलर्ट को आने ही नहीं देगा, ये अलर्ट को जो हम डिलीट करेंगे यहां से तो वो अलर्ट आने नहीं देगा। हो गया एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स और सीट को डिलीट हो जाएगा। अब सीट को डिलीट करने के बाद अगला काम क्या करते हैं, हाइट को, तो हाइट करने का कोड क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे अपना शीट की कॉलम में तार दे और यहाँ लिखे विजुअल। विजुअल में तीन चीज आएगी, एक्सेल सीट हिडन, तो ये क्या होगा नॉर्मल हिडन होगा, जैसे जो कि हम राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं और वापस इसको अनहाइड कर देते हैं, तो इसको कोई भी अनहाइड कर पाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर आप लिखते हैं सीट फोर डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन, तो क्या होगा कि एक प्रॉपर्टी में जाके इसकी हिडन सीट को वेरी हिडन कर देगा यहां से। अगर आपको वापस इसको क्या होगा कि कोई भी यहां से अनहाइड नहीं कर सकता है, मतलब अनहाइड करने के लिए कोड ही लिखना पड़ेगा, कोड ही रन करना पड़ेगा अगर एक्सेस है तो, कि सीट फोर डॉट विजुअल इक्वल टू सीट विजुअल, तो सीट को हाइड अनहाइड करने की बात आती है। ठीक है गैरी जी? हाँ जी सर। अब इसमें अगला बात आता है कि अगर मैं सीट को प्रोटेक्ट करना चाहूं तो यहां पे देखिए प्रोटेक्ट और यहां पे अपना पासवर्ड। अब यहां बोले ये बहुत सारी चीजें हैं, वो क्या है तो बता दूं आपको, जब सीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो बहुत सारे चेकबॉक्स आते हैं। ये चेकबॉक्स क्या होता है कि आफ्टर द प्रोटेक्शन हम क्या क्या चीज अलाउ करते हैं अपने यूजर को, आफ्टर प्रोटेक्शन हम अपने यूजर को क्या क्या चीजें अलाउ करते हैं उसका है। ठीक है? Yes, sir. जैसे मान लीजिए कि मुझे इसमें शॉर्टिंग अलाउ करना है, शॉर्ट अलाउ करना है, तो आपको क्या करना होगा कि इस पे आ जाए कॉमा 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 अलाउ शॉर्टिंग यहां पे ट्रू कर। अच्छा, पासवर्ड हटाना है, अनप्रोटेक्ट करना है, सीट फोर डॉट अनप्रोटेक्ट यहाँ पे पासवर्ड आ सीट अनप्रोटेक्ट। तो सीट पे हम जनरली यही करते हैं, हम सीट ऐड करते हैं, सीट को रिनेम करते हैं, सीट को हम मूव करते हैं या कॉपी करते हैं, या सीट को हम हाइड अनहाइड करते हैं, डिलीट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अनप्रोटेक्ट करते हैं, इतना ही करते हैं ना सर जी। हाँ जी। अब इसको एक एक करके आप जो है ना अप्लाई करके देख लीजिएगा। दूसरी चीज गैरी जी, याद है मैंने आपको लिंक दिया था एक? हाँ जी। उस वो जो लिंक है, उस लिंक का आपको जो ये है क्या बोलते हैं, उसी में देखिएगा आपको शीट्स का भी ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके। जैसे आपने वर्कबुक का मिलता है ना उस तरीके से, उसी उसको पढ़ लिया एक बार, लिख आया को घूम गया? नहीं है सर, वो मेरे पास जो आपने भेजा था। ठीक है, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, मैं इनको ईशा जी को भी भेज दूंगा। ठीक है, तो उसको देख लीजिए। कल हम आपके साथ जैसे हमने वर्कबुक में हमने किया था प्रोजेक्ट, वर्कबुक का जो प्रोजेक्ट किया था फाइल फोल्डर क्रिएशन, ऐसे ही हम शीट से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर अगला जो मेन है वो है रेंज। याद रखिएगा रेंज जो है आपका लंबा चलेगा और रेंज जो है मेन है। क्यों? क्योंकि जनरली हम रेंज पे ही काम करते हैं और रेंज से ही आपका समझिए कि रियल भी वीवीए स्टार्ट हो जाए। ठीक है। ठीक है सर। यस सर। तो मिलते हैं, सर आप मुझे वो भेज दीजिएगा जो भी आपने गैरी से बात करी थी। हाँ ठीक है, मैं भेज। हाँ गैरी जी मिलते हैं कल। ठीक है सर। ओके बाय। कोई डाउट फोन कर लीजिएगा। यस सर।